हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको इसमें छोटी मोटी गिरावट के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त स्टॉक हम देख सकते हैं 20.85 रुपीज़ पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 21.50 रुपये का लेवल तक का हमको इसमें जम देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक को बड़ी तेज़ी के लिए 21.50 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग देना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ऐसा हमारा डिस्कस पहली वीडियो में हो चुका था। अगर स्टॉक इसके लेवल को ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को 21.80-22 रुपये के लेवल को, तो हमको यहाँ लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक हम देख सकते हैं जब गिरावट आई है तो इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, इससे पहले जहाँ उसने 2 दफ़ा सपोर्ट लिया था अगेन उसी लेवल से सपोर्ट होके वहाँ से हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी लेवल पर हमको बाइंग देखने के लिए मिल रही 20.40 रुपये का लेवल, एक इसका तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर की ओर बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट करना इम्पोर्टेंट है, अभी थोड़ा इंतज़ार करना है। स्टॉक को 21.80-22 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करना है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर स्टॉक इस लेवल पे सस्टेन होके इस लेवल इसको ब्रेकआउट देता है 21.80-22 रुपये के लेवल को, तो हमको यहाँ बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हमको रिलायंस पावर में 24 रुपये तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इसके ब्रेकआउट पर ही हमको खरीदारी करनी है। और स्टॉक जब तक 20 रुपये के ऊपर है तब तक यहाँ बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। जब तक स्टॉक 20 रुपये के ऊपर है तब तक यहाँ अपसाइड के पूरे पूरे चांसेस हमको नज़र आ रहे हैं।